हेलो गाइस, आज जो आप देख रहे हैं ये मशरूम का सब्जी बनेगा। और आज का जो ब्लॉग शूट हो रहा है देसी मशरूम, यानी कि जब वो जो मतलब धान का लरुआ रहता है वहाँ पे सड़ने के बाद ये मशरूम वहाँ पे बनता है, वही मशरूम देसी मशरूम आज बनाने का स्टाइल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर तेल डाल देना है। देखिए यहाँ पे ये जो मशरूम है ये टाल में उगता है। ये मशरूम ये कुछ इस तरह का मशरूम होता है। इसको टुकड़े टुकड़े करके आपको धो लेना है तो पानी से। और ये प्याज है और ये मशरूम का मसाला है। इसमें लहसुन आदि और जीरा मरीच मिर्ची अदरक अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद आपका तेल जब गर्म हो जाएगा तो ये आपका जो भी फ़ौरन होता है वो आप डाल देंगे इसमें। उसके बाद आपको इसमें प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद जब ये एकदम कुरकुरे जैसा हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसमें डालना है ये सब। ये मशरूम बहुत महंगा मिलता है, आप एक बार फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हैं। 300-400 रुपये किलो मिलता है। और इसका अगर स्वाद का बात करें तो इसके आगे मीठ भी फेल हो जाता है। ये इसका स्वाद ऐसा होता है कि ये प्याज जब आपका कुरकुरे जैसा हो जाएगा पूरा फ्राई तो इसमें आपको ये मशरूम डाल देना है। देख सकते हैं आप, मशरूम को आपको इसमें डाल देना है। ये मशरूम जब पूरी तरह से सीझ जाएगा तो उसके बाद आपको इसमें मसाला डालना है। हेलो बोलो ना, तो आपको दिखाते हैं नज़दीक से थोड़ा यहाँ पे ले जाके। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का ये इसमें फ्राई हो रहा है ये मशरूम। देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह जब फ्राई हो जाएगा तो फिर आपको ये मसाले जो भी दिख रहे हैं ये मसाले क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाला ले सकते हैं। और ये एवरेस्ट सब्जी का मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा बहुत थोड़े स्वाद के लिए। डाल मसाला उसमें कुछ डालने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपका फ्लेवर्स आएगा और फ्लेवर्स इसमें बहुत अच्छा आता है।